मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के। बोल सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। बात कर रहे थे हम एमबीबीएस इन किर्गिस्तान की, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, अदर एक्सपेंसेस, सभी के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी पता हो कि एग्जैक्टली वीडियो में है क्या। और किर्गिस्तान में अगर आप अब्रॉड से स्टडीज करते हैं, किर्गिस्तान से एमबीबीएस परस्यू करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, क्विक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो किर्गिस्तान में जितने भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, सभी के सभी एनएमसी और डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड हैं। एनएमसी से एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे को अभी अभी जस्ट ये याद आई कि जिन भी स्टूडेंट्स को एनएमसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर पर्टिकुलर ये डाउट है कि एनएमसी एग्जैक्टली क्या है, क्या पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन है, तो उसके लिए भी वीडियो जो है चैनल पर है, तो उसे भी जाकर जरूर आप देख सकते हैं। बात कर रहे थे हम कि किर्गिस्तान के जितने भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, किस किस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बॉडीज से अप्रूव्ड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो सबसे पहले ये दो नाम आते हैं, एनएमसी और डब्ल्यूएचओ, नेशनल मेडिकल कमीशन, और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए अगर आप भी किर्गिस्तान से स्टडीज करना चाहते हैं? सबसे पहले तो 12th में 50% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए उन पर्टिकुलर कोर्सेज में। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, 5 years का ये ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसमें आपका 1 year का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है और बाकी एकेडमिक सेशन या फिर थियोरेटिकल प्रोसेस या थियोरेटिकल स्टडीज भी आपके रहने वाले हैं। टोटल फीस की बात करें, करीबन $18,500 से $23,300 जो है ओवरऑल टोटल ट्यूशन फीस आप कह सकते हैं, या टोटल हॉस्टल फीस जो है, करीबन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इतना आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे इस बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर, हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें, $2,000 से $2,400 के बीच जो है ओवरऑल हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नीट का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो क्या आप अब्रॉड स्टडी कर सकते हैं? तो अगर नीट का एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तहत किर्गिस्तान के किसी भी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आईएलटीएस और टोफल रिक्वायर्ड है या नहीं, तो यहाँ पर आईएलटीएस और टोफल जैसे एग्जाम्स जो भी हैं, लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और मीडियम ऑफ टीचिंग जो है इंग्लिश रहने वाला है, मेथड ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है इंग्लिश रहने वाला है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज परस्यू करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर उनको लैंग्वेज की कहीं ना कहीं बात आती है, तो लैंग्वेज बैरियर जैसी चीज़ नहीं रहने वाली है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज सीखने को भी मिलती है, लोकल लैंग्वेज सीखना कंपल या मैंडेटरी भी होता है, तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज स्किल भी आपके निकल कर बाहर आती है। और लोकल पीपल से अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ के लोकल्स से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स और भी एनहांस होती हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है अगर हम उसकी बात करें, तो उस बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए कि आप में से तमाम स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है अब्रॉड से रिलेटेड, या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन रह सकती है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर हो, एक्सपेंसेस, पोस्टल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, तमाम चीज़ों को लेकर एक कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। ऐसे में गूगल से सर्च करके अपनी कन्फ्यूजन और बढ़ाने के बजाय आपको क्या करना है, उस कन्फ्यूजन को अगर दूर करना है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक, आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर शेयर करनी है, और उसके बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, वो सभी क्वेरीज का सोल्यूशन आपको वहां पर दिया जाएगा। तो प्रोफाइल
इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेल, टॉपिक पे वापस आते हैं। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रख रहे हैं अगर हमें भी किर्गिस्तान की पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एनरोल करना है, MBBS परस्यू करना है वहां से। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई हो गया था कि ट्वेल्थ में जो है आपका पर्टिकुलरली 50% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है मिलिट्री सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उन्हें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्लियर नीट, जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, हालांकि आईएलटीएस और टोफल जैसे एग्जाम्स यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। अब क्या एडवांटेजेस रहने वाले हैं अगर हम उनकी बात करें, सबसे पहले तो रिलायबल क्वालिटी एजुकेशन, जी हाँ, ये कई बार हम वीडियोस में हम बात करते हैं अब्रॉड, MBBS अब्रॉड से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उन सभी में हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्वालिटी एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिस पर हम कई बार बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अब्रॉड से अपनी स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, उनके कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके तहत वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं। अब उन सभी फैक्टर्स में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्वालिटी एजुकेशन का। कई बार अगर आप एनरोल करते हैं उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एनरोल करने के बाद या फिर ओवरऑल 5 ईयर 6 ईयर्स के ड्यूरेशन के बाद कहीं ना कहीं रियलाइज करते हैं कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें मिली है या नहीं, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप अब्रॉड से MBBS परस्यू करना चाहते हैं। तो रिलायबल क्वालिटी एजुकेशन रहने वाली है, लो कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग, जी हाँ, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को जाहिर सी बात है इस बारे में पता ही होगा कि जितने भी इंडियन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं उनके जो ट्यूशन फीस होती है, कहीं ना कहीं ट्यूशन का ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अफोर्डेबल नहीं होते हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस नहीं होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। और इसीलिए जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि कैसे उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया जाए। तो इसीलिए काफ़ी लो कॉस्ट रहने वाली है आपकी जो भी मेडिकल ट्रेनिंग रहने वाली है, जो भी अकेडमिक सेशन यहाँ पर होने वाला है अफोर्डेबल कॉस्ट रहने वाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमरस गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल कॉलेजेस, जी हाँ, अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे अगर हम किर्गिस्तान में ही स्पेसिफिकली क्योंकि इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो कई सारे गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप अपनी MBBS भी परस्यू कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है, ग्लोबली रिकग्नाइज डिग्रीज भी रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लैंग्वेज ऑफ गाइडेंस इन कॉलेजेस इज इंग्लिश। कई बार ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, और स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेरी भी आती है इस चीज़ से रिलेटेड कि अगर हम पर्टिकुलर कंट्रीज, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में अपने MBBS के लिए इनरोल करते हैं, MBBS परस्यू करना चाहते हैं, तो क्या लैंग्वेज जैसा बैरियर उनके स्टडीज़ को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में उनकी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं होने वाला है क्योंकि आपका जो लैंग्वेज ऑफ गाइडेंस या फिर मीडियम ऑफ टीचिंग कह लीजिए वो आपका रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा लोकल लैंग्वेज सीख लो तो उससे भी कोई बुराई नहीं है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स ही एनहांस होने वाली है, और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है लैंग्वेज स्किल्स का एनहांस होना इम्पॉर्टेंट भी रहने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्टरनेटिव टू पिक हॉस्टल्स और एनी अपार्टमेंट्स टू लिव इन विद हाई क्लास फैकल्टी एंड सेफ लिविंग, जी हाँ, एक और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पर, एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये आता है स्टूडेंट्स के मन में कि अगर हम वहाँ पर स्टडीज़ करें किर्गिस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ स्टडीज़ कर रहे हैं तो क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं, अकोमोडेशन, फ्लैट्स जो भी हैं तमाम चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं या नहीं। वेल, ये भी प्रॉब्लम आपकी मैं सॉर्ट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हैं टू पिक हॉस्टल्स और साथ ही साथ कई सारे अपार्टमेंट्स हैं टू लिव इन, और साथ ही साथ हाई क्लास फैकल्टी भी देखने को मिलेगी आपको आपके कोर्स ड्यूरेशन के दौरान, अगर मैं बात करूँ काफ़ी हाईली नॉलेजेबल, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टॉप
यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं अगर हम उसकी बात करें, वैसे तो काफी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के एस्टैब्लिशमेंट ईयर के साथ ही कैटेगराइजेशन किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो किर्गिस्तान के टॉप मोस्ट और रेनाउंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आती है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसका यू नो एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात करूँ 2004 इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। उसके बाद है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन जिसे ISM भी कहते हैं, 2003 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1993 और ओश स्टेट यूनिवर्सिटी जो यू नो और भी पुरानी यूनिवर्सिटी है 1951 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस रहने वाला इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का विद हाईली नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। अब क्या कॉस्ट ऑफ स्टडी रहने वाला है, जी हाँ अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट की टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पर बताई है, टोटल हॉस्टल फीस भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ट्यूशन फीस की हम बात करें और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल जो ट्यूशन फीस है पूरा 5 ईयर्स का मिलाकर ये ओवरऑल कोर्स फीस रहने वाली है, टोटल कोर्स फीस है 15,38,000 जो है ओवरऑल ट्यूशन फीस रहने वाली है। और वहीं अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो करीबन 1,66,000 जो है आपका एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की तो ट्यूशन फीस है करीबन 17 लाख और वहीं हॉस्टल फीस 2 लाख के करीबन रहता है। किर्क स्टेट मेडिकल अकेडमी 19 लाख इसकी फीस है, ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस 2 लाख रुपए है। और ओश स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है 1951 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, 16 लाख जो है इसकी ट्यूशन फीस है और वहीं 1 लाख के करीबन जो है इसका हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किर्गिस्तान से रिलेटेड, यू नो वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं अगर आप अब्रॉड में स्टडीज करते हैं तो उन सभी चीज़ों को लेकर, लेकिन यहाँ पर दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मेजर क्वेश्चंस हैं अगर हम उनकी बात करें। सबसे पहले तो क्या इंटर्नशिप मैंडेटरी है किर्गिस्तान में अगर हम MBBS कर रहे हैं तो वेल इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 1 ईयर का जो है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि मैंडेटरी रहने वाला है और किर्गिस्तान में रहकर ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। 5 ईयर्स का ये ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन है जिसमें आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या MBBS डिग्री जो है एक्सेप्टेड है इंडिया में या नहीं। जी हाँ, MBBS की जो डिग्री है किर्गिस्तान से अगर आप MBBS परस्यू करते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, तो इसीलिए इंडिया में भी रिकग्नाइज्ड होगी। और इसके लिए यू नो आपको पर्टिकुलर MCI स्क्रीनिंग टेस्ट या आपके FMGE टेस्ट जो होते हैं फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन या MCI स्क्रीनिंग टेस्ट जिन्हें कहते हैं वो पर्टिकुलर एग्जाम से गो थ्रू होना होता है, उनको क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो व्हाट इज NMC भी देख सकते हैं जो कि चैनल पर ही आपको मिल जाएगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और भी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जिनका यू नो एक वीडियो में सोल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है, उसके बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं स्पेसिफिक सोल्यूशन होंगे MBBS अब्रॉड से रिलेटेड या फिर किसी और यू नो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं सभी के बारे में सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस में नहीं रहने वाली और कोई भी वीज़ा फी इस पर नहीं लगने वाली है। तो वेट मत कीजिए और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कीजिए ताकि हम भी आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर पाए। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।